दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और वामपंथ छात्र संगठनों के बीच हुई हिंसक। दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और वामपंथ छात्र संगठनों के बीच हुई हिंसक झड़प ने अब नया मोड़ ले लिया है। कैंपस की लड़ाई अब सोशल मीडिया में लड़ी जा रही है और सेलिब्रिटीज भी इसमें कूद पड़े हैं। लेडी श्रीराम कॉलेज की छात्रा गुरमेहर कौर के पोस्ट को लेकर क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग के ट्वीट पर एक्टर रणदीप हुड्डा ने भी ट्वीट किया, जिसके बाद वो लोगों के निशाने पर आ गए। हालांकि रणदीप ने इसे लेकर अपने ऊपर उठाए जा रहे सवालों का मजबूती से जवाब दिया। दरअसल गुरमेहर कौर कारगिल युद्ध में शहीद हुए कैप्टन मनदीप सिंह की बेटी हैं। इस झगड़े के बीच गुरमेहर कौर की एक पुरानी तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हो गई है, जिसमें उनके हाथ में एक तख्ती पर लिखा है, पाकिस्तान ने मेरे पिता को नहीं मारा, उन्हें जंग ने मारा है। गुरमेहर की इस तस्वीर को वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट के जरिए तंज कसते हुए वैसे ही एक अपनी फोटो ट्वीट कर दी, जिसमें उनके हाथ में एक तख्ती है और उस पर लिखा है, मैंने नहीं, मेरे बल्ले ने 2 तिहरे शतक मारे थे। गुरमेहर को लेकर वीरेंद्र सहवाग के ट्वीट को लाइक करने के बाद एक्टर रणदीप हुड्डा लोगों के निशाने पर आ गए। बाद में रणदीप ने सोशल साइट फेसबुक के जरिए अपना पक्ष रखते हुए एक बेहद लंबा संदेश पोस्ट किया। अपने पोस्ट पर रणदीप ने लिखा, एक हंसी के लिए मुझे फांसी पर मत चढ़ाओ। वीरू ने एक जोक सुनाया और मैंने माना कि मैं उस पर हंसा। वो बहुत हाजिर जवाब है और ये उन लाखों बातों में से एक है जिन पर मैं हंस चुका हूँ। अब मुझे एक युवा लड़की के खिलाफ नफरत भरी धमकियों को भड़काने के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। हैरानी की बात ये है कि वो लड़की भी यही समझ रही है। ये बिल्कुल गलत है, मेरी मंशा कभी ये नहीं थी। गुरमेहर किसी बात के लिए खड़ी हुई है तो उसे इतना साहस भी रखना चाहिए कि वो विरोधी आवाजें सुन सके। किसी और पर उंगली उठाना और मिल रही प्रतिक्रियाओं के लिए उसे जिम्मेदार ठहराना सही नहीं। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ और मजबूती से मानता हूँ कि हिंसा गलत है। एक महिला को हिंसा से डराना और भी जघन्य अपराध है और ऐसे लोगों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आपको बता दें कि रणदीप ने गुरमेहर कौर के भारत पाकिस्तान के बीच दोस्ती की पैरवी के वीडियो की तारीफ की है।